नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। आमला, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वैसे तो आमजन के लिए तमाम योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण हिरण्य गर्भा मात्र मुस्कान योजना को सफल बनाने इस बार परियोजना विभाग कार्यालय का समूचा स्टाफ व मैदानी अमला पूर्णतः मुस्तैद है। योजना का उद्देश्य हाई रिस्क गर्भवती महिला एवं उनके घरों तक पहुंच उन्हें एवं उनके परिजनों को समझाइश देना है, ताकि कोई भी परिवार मात्र मुस्कान योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे। जिस उद्देश्य को लेकर गुरुवार को यहां के परियोजना कार्यालय परिसर में समूचे मैदानी अमले की मौजूदगी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी चयेत कुमार बुडेकर ने मैदानी अमले को हिरण्य गर्भा मात्र मुस्कान योजना क्या है, कैसे हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के घर दस्तक दें, उन्हें एवं उनके परिजनों को समझाइश देना, जिस संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया। साथ ही हितग्राही चयन की शर्तें भी निर्धारित की गईं। इस मौके पर परियोजना अधिकारी, विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजरों को भी गृह भेंट के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।